आपकी जेब पर डाके का सबसे बड़ा प्लान आपके बैंक अकाउंट में सेंध की सबसे बड़ी साजिश आपके नेट बैंकिंग पर नटवर लालों की बुरी नजर आपके ई वॉलेट पर धोखेबाजों का सबसे बड़ा जाल आपके मोबाइल बैंकिंग में ठगों की सबसे बड़ी सेंधमारी तेज पर आज साइबर ठगों का डर्टी प्लान होगा बेपर्दा। तेज पर आपकी जेब साफ करने वाले आज होंगे बेनकाब। तेज पर आज रंगे हाथों पकड़े जाएंगे साइबर लुटेरे। साइबर डकैतों पर तेज की एक्सक्लूसिव स्ट्राइक। बैंक को समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो बचे तो कैसे बचे, और पुलिस के पल्ले नहीं पड़ रहा कि वो ऐसे खतरों से कैसे निपटे। मोबाइल में सिमट चुकी आपकी दुनिया खतरे में है। खतरा बेहद संगीन है क्योंकि यह खतरा सीधे आपकी जेब पर है, क्योंकि यह खतरा सीधे आपके बैंक अकाउंट पर है, क्योंकि यह खतरा आपके मोबाइल के भीतर है। मोबाइल में सिमट चुकी दुनिया के बेहिसाब फायदे हैं। मोबाइल ने बैंकिंग से लेकर पैसों के लेन देन को आसान बनाया है। यही वजह है कि आज हर किसी के मोबाइल में बैंकिंग ऐप है और पैसे के लेन देन के लिए एक एडवांस मोबाइल एप्लीकेशन भी मौजूद है। जाहिर है मोबाइल ऐप में लोगों को सहूलियतें दी हैं, लेकिन ऐप की इसी सहूलियत में ठगों को डकैती का नया स्पेस मिल गया है। HDFC बैंक फर्जी ऐप से अपने ग्राहकों को सावधान कर रहा है। बैंक के पास लगातार ऐसी शिकायतें आ रही थी कि फर्जी ऐप के जरिए उनके ग्राहकों को ठगा जा रहा है। बैंक अपने ग्राहकों को SMS भेजकर लगातार अलर्ट कर रहा है। बैंक ने ग्राहकों से कहा है कि भूलकर भी एनी डेस्क नाम का मोबाइल ऐप डाउनलोड ना करें। ऐसा करने पर एक झटके में आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। बैंक अकाउंट पर साइबर लुटेरों का ये पहला हमला नहीं है। इससे पहले RBI से लेकर दूसरे बैंक भी अपने ग्राहकों को ऐसे ही अलर्ट भेज चुके हैं। फिलहाल तो एनी डेस्क एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके मोबाइल या लैपटॉप के जरिए बैंक अकाउंट से लेन देन कर सकता है। बैंक के मुताबिक UPI प्लेटफॉर्म पर कुछ धोखेबाजी वाले लेन देन हुए हैं। साइबर लुटेरे इस ऐप की मदद से विक्टिम के मोबाइल डिवाइस पर दूर से ही एक्सेस करके बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। फर्जी मोबाइल ऐप के जरिए ठगी का यह धंधा खूब चल रहा है। आपकी मामूली सी लापरवाही का फायदा साइबर ठग जमकर उठा रहे हैं और आपको खबर लगे बगैर वो आपके अकाउंट को साफ कर रहे हैं। फर्जी ऐप के जरिए ठगी का धंधा प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के जरिए किया जा रहा है, जहां से आपको इन ऐप को डाउनलोड करने का लालच दिया जाता है। ग्राहकों के पास मोबाइल पर 9 डिजिट का ऐप कोड जनरेट होता है। जैसे ही धोखेबाज इस कोड को अपने डिवाइस पर इंसर्ट करता है, साइबर ठगों को आपके मोबाइल फोन का एक्सेस मिल जाता है और ठगी का सारा खेल यहीं से शुरू होता है। एनी डेस्क नाम के ऐप से साइबर ठग आपके मोबाइल फोन से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद अपने डिवाइस पर आपका नियंत्रण खत्म हो जाता है। साइबर लुटेरे कहीं भी और कभी भी आपके मोबाइल का एक्सेस लेकर आपका खाता साफ कर सकते हैं। जाहिर है गूगल प्ले पर आपका भरोसा आपको फंसा सकता है, इसीलिए आपके लिए जरूरी है कि आप पहले ऐप को जांचें परखें, तभी उसे डाउनलोड करें। साइबर लुटेरे आपका खाता खाली करने की फिराक में हैं। ऐसे में सावधान रहें और सतर्क रहें। किसी के बताने पर ऐप डाउनलोड करने से बचें। अपने मोबाइल में किसी अपरिचित को एनी डेस्क या कोई दूसरा ऐप इंस्टॉल करने की इजाजत ना दें। अगर आपको अपने मोबाइल में कोई अनजान सा ऐप दिखे तो उसे तुरंत डिलीट करें। पेमेंट और मोबाइल बैंकिंग के ऐप के लॉक फीचर अनेबल करके रखें। सर्च इंजन पर मिले कस्टम सर्विस नंबर पर आंख मूंदकर भरोसा ना करें। और सबसे जरूरी ये
कि किसी कॉलर या व्यक्ति से अपना बैंकिंग पासवर्ड शेयर ना करें, ना ही उसे मोबाइल में कहीं सेव करके रखें। साथ ही ये ध्यान भी जरूर रखें कि आपको किसी फोन कॉल पर अपनी OTP शेयर नहीं करनी है। बैंक मोबाइल बैंकिंग को सुरक्षित बनाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, बावजूद इसके साइबर ठग या फिर साइबर लुटेरे हमारे और आपके मोबाइल में सेंध लगा ही लेते हैं। ऐसे में बेहतर है कि सावधानी बरतें और अपने अकाउंट को सुरक्षित रखें।